गाइस, दिस इज माय न्यू पोएम। और ये पोएम फ्रेंड्स को डेडिकेटेड है, मेरे सारे फ्रेंड्स को। ये एक ऐसी पोएम है जिसमें मैंने ये लिखने की कोशिश की है कि आखिर एक अच्छा दोस्त अपने दोस्तों को कैसे ट्रीट करता है और उसके दिल में कैसी फीलिंग्स होती हैं दोस्तों के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। अगर वो उसे अपना दोस्त मानता है तो वो कैसे ट्रीट करता है, क्या सोचता है उनके बारे में। और एग्जैक्टली जब उसके साथ कुछ वो दोस्त कुछ बुरा भी करते हैं तो भी वो कैसे ट्रीट करता है, वो लिखने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये पोएम अच्छी लगे तो आप भी अपने दोस्तों को ज़रूर सुनाएं और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। लाखों लफ्ज छुपा कर जब कोई मुस्कान जरा सी भरता है, लाखों लफ्ज छुपा कर जब कोई मुस्कान जरा सी भरता है, लाखों अरमान दिल में छुपा कर जब कोई याद तुझे जब करता है, लाखों लफ्ज छुपा कर जब कोई मुस्कान जरा सी भरता है, लाखों अरमान दिल में छुपा कर जब तुझको याद कोई करता है, लाखों लहरें मन में छुपा कर जब कोई तेरा चेहरा पड़ता है। सोचो आखिर कौन है वो जो ऐसी दोस्ती करता है, सोचो आखिर कौन है वो जो ऐसी दोस्ती करता है। अपनी हर मुस्कान का कारण जो तुझे बताया करता है, अपनी हर मुस्कान का कारण जो तुझे बताया करता है, अपनी हर छोटी सी छोटी बात जो तुझे सुनाया करता है। सोचो आखिर कौन है वो जो ऐसी दोस्ती करता है। छुप छुप कर वो बड़े प्यार से तेरी मुस्कान जुटाता है, छुप छुप कर जो बड़े प्यार से तेरी मुस्कान जुटाता है, अपनी हर छोटी से छोटी बातें तुझे सुनाता है। सोचो आखिर कौन है वो जो ऐसे दोस्त बनाता है। वो नहीं जानता कि आखिर क्यों वो ये ख्वाब सजाता है, वो नहीं जानता कि आखिर क्यों वो ये ख्वाब सजाता है, जब भी वो अपने बुरे वक्त में खुद को तन्हा पाता है। सोचो आखिर कि कौन है वो जो ऐसे दोस्त बनाता है। छुप छुप कर जो वो बड़े प्यार से तेरी मुस्कान जुटाता है, फिर भी वो अपने बुरे वक्त में खुद को तन्हा पाता है। वो नहीं जानता कि आखिर क्यों वो ये ख्वाब सजाता है। सोचो आखिर कौन है वो जो ऐसे ख्वाब सजाता है। तेरे गालों को छूने से पहले धड़कन जिसकी बढ़ जाती है, तेरे गालों को छूने से पहले धड़कन जिसकी बढ़ जाती है, चेहरे पर मुस्कान देख के जो मन ही मन मुस्काता है। सोचो आखिर कौन है जो ऐसे दोस्त बनाता है। सोचो आखिर कौन है जो ऐसे दोस्त बनाता है। थैंक यू। हाय गाइस।